हरे तालिका तीज व्रत में भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना पति पर आ सकता है संकट। हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद अब हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाएगा। ये व्रत भी अन्य दोनों व्रत के समान ही महत्व रखता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत एक कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। हरियाली तीज की तरह हरतालिका तीज का भी विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। इस विधि से करें पूजा। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुहागिन महिलाएं नए या साफ वस्त्र धारण करें। इस शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और पूजा आरंभ करें। हरतालिका तीज व्रत के दिन पूजा से पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करें। फिर विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए। सुबह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर और हलवे का भोग लगाकर अपना व्रत खोलें। ना करें ये गलतियां। इस व्रत के दौरान दिन में सोना वर्जित माना गया है। हरतालिका व्रत के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें, क्योंकि व्रत कथा पढ़े या श्रवण किए बिना व्रत पूरा नहीं किया जा सकता है या व्रत पूरा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि जो महिला इस व्रत को एक बार कर लेती है उसे ये व्रत जीवन भर रखना पड़ता है। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आपके स्थान पर आपका पति या कोई अन्य महिला भी ये व्रत कर सकता है। हरतालिका तीज पर व्रतधारी स्त्रियों को क्रोध से बचना चाहिए। दूसरों के प्रति द्वेष की भावना न रखें। साथ ही अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, तभी व्रत सफल माना जाएगा। साथ ही इस दिन पति या दूसरों से वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और पूर्ण फल कभी नहीं प्राप्त होता। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।